हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका लेट्स लर्न इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम जानेंगे नाउन के बारे में। इंग्लिश ग्रामर का ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और ये आपका पहला पार्ट ऑफ स्पीच भी है। तो जानते हैं इंग्लिश में नाउन के बारे में। नाउन्स, नाउन्स क्या होते हैं? द नेम ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल एंड थिंग्स आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स। यानी कि नाउन्स क्या होते हैं? किसी भी पीपल, पीपल यानी किसी भी आदमी, प्लेस यानी जगह है, एनिमल यानी जानवर, एंड थिंग्स यानी चीज़ों के नाम को नेमिंग वर्ड्स कहते हैं। और नेमिंग वर्ड्स जो हैं उन्हें हम नाउन्स भी कहते हैं। आगे चलते हैं, आप इसमें जानेंगे कि पर्सन, पर्सन हम किस तरीके के नाम हम लिख सकते हैं पर्सन में। सबसे पहला है आप सिया, SIA सिया, मदर, सन, आलिया, यानी आप किसी का नाम भी लिख सकते हैं और आप किसी पर्सन का जो है उसके बारे में भी बता सकते हैं कि ये मदर है, ये सन है। ऐसे पर्सन मतलब किसी पर्सन का नाम या वो पर्सन क्या है, मदर है, फादर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये सब। ठीक है, अगला है प्लेस। प्लेस यानी जगह। तो जगह में हम जगह का नाम बता सकते हैं, जैसे प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, स्कूल या कोई एयरपोर्ट, गार्डन, होटल जैसी जगह। और हम इस प्लेस में दिल्ली, मुंबई, अमेरिका, इन सब जगहों के नाम भी बता सकते हैं। थिंग्स में क्या क्या आता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं चेयर, सोफा, टेबल, बेड, डेस्क, अलमीरा, नोटबुक, ये सब क्या है? चीजें। तो बच्चों आप जान गए होंगे कि पर्सन में किसी भी इंसान का नाम या फिर मदर, फादर, सन, यानी कि उस पर्सन का डेजिग्नेशन कि वो क्या है, वो भी पर्सन में ही आएगा। प्लेस में आपको जगह का नाम लिखना है और थिंग्स में आपको चीजों का नाम लिखना है। तो आपने जाना पर्सन, प्लेस, थिंग के नाम को नाउन्स कहते हैं। अब हम जानेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन्स में हम सबसे पहले कॉमन और प्रॉपर नाउन की बात करेंगे। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन वो होते हैं जो किसी भी कॉमनली दिए जाते हैं, किसी भी चीज को कॉमनली दिया जाता है। अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, थिंग ऑफ द सेम काइंड और क्लास। फॉर एग्जाम्पल पीपल, हर इंसान को या हर पीपल को हम पीपल ही बोलेंगे। दिस इज अ कॉमन नेम विच हैज बीन गिवन टू एवरी पर्सन। कंट्री, जब मैं कंट्री की बात करूंगी तो दुनिया की तमाम कंट्रियों को मैं कंट्री ही बोलूंगी, ये सभी कंट्रीज का कॉमन नाम है। इसी तरीके से सिटी, सिटी सभी सिटीज का एक कॉमन नाम है। बुक्स, ये एक पूरे एक तरीके की समूह को, यानी कि एक तरीके की चीजों को, दुनिया की सारी किताबों को आप किताबें ही बोलेंगे। तो दिस इज अ कॉमन नाउन। अब हम करते हैं बात प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होता है? एक ऐसा नाम जो कि पर्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के लिए यूज किया जाए। इसे जो है किसी फेस्टिवल, डेज ऑफ वीक, नेम्स ऑफ मंथ्स और हॉलीडेज के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रॉपर नाउन्स जो है हमेशा कैपिटल लेटर्स से शुरू होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने किसी का पर्टिकुलर नाम लिया है, जैसे राम, सीता, मोहन, विक्की, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन, क्योंकि आप हर पर्सन को अलग नाम से जानेंगे लेकिन सभी को आप पर्सन बोल सकते हैं। तो पर्सन या पीपल जो है कॉमन नाउन है, जबकि राम, श्याम, सीता जो भी उनका पर्टिकुलर नाम है वो है प्रॉपर नाउन। अब हम जैसे बोलते हैं इंडिया, तो हमने देखा था सभी कंट्रीज को कंट्री बोलते हैं लेकिन सभी कंट्री को आप इंडिया नहीं बोल सकते हैं। तो इंडिया एक पर्टिकुलर यानी प्रॉपर नाउन है। और ताजमहल, ताजमहल इज वन ऑफ इट्स काइंड, इट इज अ प्रॉपर नाउन। यू कैन नॉट कॉल ऑल बिल्डिंग्स एज ताजमहल। संडे और जनवरी, ये भी पर्टिकुलर नाम है तो ये प्रॉपर नाउन कहलाएंगे।
आगे चलते हैं। अगला जो नाउन है वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? ये रेफर करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स को कलेक्टिवली। इन्हें इसलिए कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इनके उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। माई क्लास हैज सम ब्राइट स्टूडेंट्स, यानी मेरी क्लास में कुछ ब्राइट स्टूडेंट। ये जो वर्ड क्लास आप देखेंगे, क्लास जब आप बोलते हैं तो ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, पूरे बच्चे इकट्ठे होकर ही क्लास मनाते हैं। इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि अ कॉयर ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर का पूरा जो बैंड है, जो पूरा ग्रुप है, उसको कॉयर बोलेंगे। और क्राउड यानी एक भीड़, ये किसी एक आदमी से भीड़ नहीं बनती, क्राउड बहुत सारे लोगों से बनती है। इसलिए क्राउड, कॉयर, क्लास, ये सभी क्या हैं? ये एक कलेक्टिव नाउन है, और क्योंकि ये एक कलेक्शन को दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, आई लव माई स्टैम्प कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन जो है ग्रुप्स के लिए यूज होते हैं ऑफ एनिमल्स और थिंग्स। जैसे अ टीम ऑफ ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स की टीम, अ लिटर ऑफ पपीज, पपीज का एक झुंड, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का एक गुच्छा, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स यानी स्टूडेंट्स की एक कक्षा। तो ये सब क्या थे? कलेक्टिव नाउन। अब मैं आपको अगला जो टॉपिक बता रही हूँ वो क्या है, नाउन में सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। सिंगुलर यानी एक और प्लूरल मानी अनेक। सिंगुलर आपको एक ही चीज के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं कहूँ बुक, तो बुक क्या है? सिंगुलर। और इसकी जगह अगर मैं बुक्स कहूँ तो वो एक प्लूरल क्वांटिटी को दर्शाता है। सिंगुलर नाउन्स में जैसे मैंने देखा कि ओनली वन पर्सन, वन प्लेस, वन एनिमल और वन थिंग इज शोन, दिस इज कॉल्ड सिंगुलर नाउन। जबकि प्लूरल नाउन जो होता है वो जब एक नाउन यानी नेमिंग वर्ड एक से ज्यादा पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग को दर्शाए तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानेंगे कि जो प्लूरल नाउन है उन्हें याद करने का और बनाने का रूल क्या है। तो देख रहे हैं आप प्लूरल नाउन के जो रूल्स हैं जिन्हें हमें याद रखना है। पहला रूल देखिए हमारा, पहला रूल क्या है, गर्ल का आप गर्ल्स कर सकते हैं, यानी खाली एस ऐड करके भी हम जो है प्लूरल बना सकते हैं। और दूसरा रूल है हमारा, हम ई एस ऐड करेंगे उन सभी नामों में जिनके आखिरी में सी एच, एस एच, एस, एक्स और जेड होगा। जैसे बेंच में आप देख रहे हैं सी एच है, इसलिए इसका प्लूरल क्या होगा, बेंचेस। डिश का डिशेस, बस का बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस, क्विज का क्विजेस। ये है ना बहुत सिंपल। हम एक एस ऐड कर देंगे सिंगुलर को तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल। ये रूल वन था हमारा। इससे बनने वाले कुछ शब्द मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे एप्पल का आप प्लूरल बना सकते हैं, एप्पल्स, खाली आपने एस ऐड किया है। टेबल का टेबल्स, डॉक्टर का डॉक्टर्स, कार कार्स, शर्ट शर्ट्स, डेस्क डेस्क, फ्रेंड फ्रेंड्स। है ना बहुत आसान। अब रूल टू से बनने वाले प्लूरल्स मैं आपको बता रही हूँ। प्लूरल फॉर्म्स जो हैं जिनके जो वर्ड्स एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ से एंड करते हैं, उनको यदि हमें प्लूरल बनाना है तो याद है मैंने अभी आपको बताया था आपको ई एस ऐड करना है। जैसे बस के लास्ट में आप देखेंगे एस है तो आप उसमें ई एस जोड़ देंगे, क्या बन जाने वाला है, बसेस। गैस का गैसेस, क्लास का क्लासेस, क्लास का क्लासेस, ब्रश का ब्रशेस, विश का विशेस, मैच का मैचेस, ब्रांच का ब्रांचेस, बॉक्स का बॉक्सेस, फॉक्स का फॉक्सेस, पोटैटो का पोटैटोज, हीरो का हीरोज। आपने देखा इन सभी में या तो एस था, या तो डबल एस था, या तो एस एच था, या तो सी एच था, या एक्स था, या ओ था। इन सभी का एक ही रूल है कि लास्ट में आपको ऐड करना है ई एस। अब हम रूल थ्री पे आते हैं। रूल थ्री में यदि आपका जो सिंगुलर नाउन है उसके आखिरी में एफ या एफ ही हो तो आप एफ को या एफ ई को वी ई एस में चेंज कर देंगे। जैसे कि बहुत ही सरल इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। यदि आपका लोफ है, लोफ आपने देखा है ब्रेड का एक लोफ जो होता है उसका यदि हमें प्लूरल बनाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, लोफ्स। इसी तरीके से आप देखेंगे लीफ, लीफ के अंत में आप देख रहे हैं एफ है तो एफ का क्या हो जाएगा, वी ई एस ऐड आपने करना है। और काफ का काव्स,
थीव का थीव्स, नाइफ का नाइव्स, वाइफ का वाइव्स। आप देख रहे हैं आखिरी का जो एफ और एफ ई है उसकी जगह वी ई एस आपने ऐड करना है और आपको जो है प्लूरल शब्द मिल जाने वाला है। रूल फोर को हम देखते हैं, जो भी एफ से एंड होते हैं कुछ नाउन्स द प्लूरल इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एस, जैसे रूफ रूफ्स, चीफ चीफ्स। ये जो है एनोमलीज हैं, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा कि एफ के बाद जो है हम वी ई एस जोड़कर, एफ को हटा के वी एस जोड़ के बनाते हैं, लेकिन कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो कि एफ से एंड होते हैं लेकिन उनके लास्ट में जो है हम खाली एस ऐड कर देते हैं तो प्लूरल बन जाता है। उनके दो उदाहरण मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ये एज इट इज लर्न करने पड़ेंगे। रूल फाइव क्या है, फॉर सिंगुलर एंडिंग विद y, वी चेंज द y टू आई एस टू मेक दैम प्लूरल। यानी जो सिंगुलर y से एंड होता है तो हम क्या करेंगे, वहां आई एस एड कर देंगे ताकि वो क्या बन जाए, प्लूरल बन जाए। आप देखेंगे बेबी का क्या हो जाएगा, बेबीज। ऐसे ही स्टोरी स्टोरीज, कैंडी कैंडीज, मम्मी मम्मीज। बहुत ही सिंपल है, आखिरी के वाई को हटा के आपने आई ई एस लगा देना है। रूल सिक्स यदि हम देखें तो वो क्या है, सम नाउन्स एंडिंग विद वाई द प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एस। इन सच वर्ड्स द लेटर बिफोर वाई इज ऑलवेज अ वोवल। यहाँ पे क्या होगा, वो वर्ड्स जिनमें कि वाई से पहले एक वोवल होगा उसमें हम खाली एक एस एड कर देंगे। जैसे कि बॉय है, यहां देख रहे हैं आप वाई से पहले एक वोवल है इसलिए खाली एस एड होने से इसका प्लूरल बन जाएगा। टॉय में भी क्योंकि वाई से पहले खाली वोवल है तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, टॉयज। ऐसे ही ट्रे और की में भी ट्रेज और कीज बन जाने वाला है। तो देखा आपने। रूल सेवन हम देखते हैं, यहाँ पे हम स्पेशल चेंजेस करते हैं किसी की स्पेलिंग में, किसी सिंगुलर नाउन की स्पेलिंग में उसे प्लूरल बनाने के लिए। इन्हें इरेगुलर प्लूरल्स कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, इरेगुलर प्लूरल्स। तो देखेंगे आप सिंगुलर जैसे मेन है तो आपने ए को क्या चेंज कर देना है, ई, मेन। और टूथ का टीथ, फुट का फीट, माउस का माइस, गूस का गीज, चाइल्ड का चिल्ड्रन। आपने देखा कि इनमें कोई रूल नहीं चलता इसलिए ये इरेगुलर प्लूरल्स कहलाते हैं। रूल एट की यदि हम बात करें तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो सेम यूज होते हैं सिंगुलर प्लूरल दोनों में, जैसे फिश फिश, डियर डियर, शीप शीप, हेयर हेयर, बाइसन बाइसन। इनमें आप देखेंगे कि किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। तो आपने सभी रूल्स को बहुत ध्यान से देखा, ये उन्हीं का रिवीजन है। और आज आपने मुझे आशा है आपको ये जो मैंने बताया है ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अंत में मैं आपसे सिर्फ वही कहूंगी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।